हेलो दोस्तों, यह है साइड बाय साइड फ्रिज। ठीक है, अभी इसका हम कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं। पुराना वाला कंप्रेसर तो ये निकाल दिया है। ठीक है, ये लगाया है नया वाला कंप्रेसर। ये न्यू कंप्रेसर लगाया है, अभी लगा ही रहे हैं। ठीक है, बाकी तो वेल्डिंग हो गया है, बस एक लाइन रह गई है वेल्डिंग होने के लिए। और ये है हमारे फरमान भाई, इंजीनियर हमारे। ठीक है, ये गर्म नहीं हो रहा था क्योंकि इसकी जो आग है वो अलग अलग भाग रही थी, इसलिए पीछे बैक साइड में लोहे की पत्ती लगानी पड़ी है, तब वेल्डिंग होएगा इस पर। ये वेल्डिंग कंप्लीट हो गया है, अब इसमें करेंगे वैक्यूम। ये लगा दिया इसका पिनबॉल, अब इसमें करेंगे वैक्यूम। अभी चालू कर दिया है वैक्यूम। अभी वैक्यूम करेंगे समथिंग समथिंग 20 मिनट, उसके बाद इसमें गैस रिफिल होगी। ये हम वैक्यूम कर रहे थे 20 मिनट पूरे, समथिंग टाइम हो चुका है पूरे ना। वैक्यूम वैक्यूम जो है 20 या 25 या 30 मिनट करने वाला वैक्यूम के लिए। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ वैक्यूम को। करेंगे इसमें गैस चार्जिंग।
अभी छोड़ दूंगा है ना, बाद में चलाऊंगा फ्रिज। फ्रिज स्टार्ट चालू करने से पहले जो है ना, ऑन करने से पहले हल्की सी गैस छोड़ देनी चाहिए, वैक्यूम टूट जाता है ना। इसमें हल्की सी गैस मैंने छोड़ दिया, अब फ्रिज चालू करूंगा मैं। उधर 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 हो गया, हो गया। हाँ हो रही है ठीक है, गैस इसकी पूरी हो गई है ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसकी कैप कहाँ रखी, पहले किसका लग रहा है ना, तो पीछे बात करते हैं। इसका जो टेम्परेचर है ये इसका लो, लो खोलिए इसका। इसका टेम्परेचर जो है रेफ्रिजरेटर का 5 है और फ्रीजर का जिसमें आइस जमती है -22 ठीक है। अभी जो ऊपर वाला टेम्परेचर है 25
ये घटते 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 माइनस में जाएगा, तो घटते घटते जो है सॉरी प्लस में 5 पे आ जाएगा, ठीक है। ये घटते घटते ये 22 पे पहुंच जाएगा। ये है इसका रैप, थोड़ा पीछे थोड़ा देख लो आराम से। ये है इसका रैप जिसमें आइस नहीं जमेगी, बर्फ नहीं जमेगी इस वाले पोर्शन में, ठीक है। ये है इसका फ्रीजर, इसमें पूरे में बर्फ जमेगी, यानी कि जो भी जमने वाला सामान है वो हम इसमें रखेंगे और जो नहीं जमने वाला है वो इसमें रखेंगे रैप में।